रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे जेई सीबीटी 2 परीक्षा 3/18 में कुछ प्रश्न 30 अगस्त शिफ्ट 1 का केवल इलेक्ट्रिकल का लेके आए हैं। ये पूरी तरह से सही भी नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि ये पूरी सही है क्या, तो ये कैंडिडेट का फीडबैक होता है, हो सकता है उसमें माइनर चेंज भी हो सकता है, क्योंकि कई बार जो प्रश्न होते हैं उसका एग्जैक्ट याद नहीं रहता कैंडिडेट को, और कई बार जो होता है उसमें रूपांतर यानी एक से दूसरे तक जाने में कन्वर्सन चेंज हो सकता है। तो क्वेश्चन का प्रश्न लेवल केवल जानेंगे तो यहाँ पर पूरा एवरेज कहें तो मीडियम लेवल था, न्यूमेरिकल प्रश्न बहुत कम थे, यानी कुछ ही प्रश्न थे जो न्यूमेरिकल करना था, लेकिन बाकी प्रश्न जो एवरेज आप एग्जाम में देखते आए हैं वही प्रश्न थे। तो देख लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी, बस केवल ओवरव्यू के लिए, क्योंकि ये प्रश्न रिपीट तो करेगा नहीं, आपको एग्जाम में केवल हिंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक आया है फ्रिक्वेंसी वाला पोल वाला से, जिसमें आप लिखते हैं ना ये बराबर एनपी डिवाइडेड बाई 150, इससे आप स्पीड भी निकाल लेते हैं, आप पोल भी निकाल लेते हैं और फ्रिक्वेंसी भी निकाल लेते हैं। जब स्पीड निकालते हैं तो इसको सिंक्रोनस स्पीड भी कहते हैं। तो उसी तरह से स्लिप ऑफ सिंक्रोनस मोटर दूसरा नंबर प्रश्न था, जिसमें आप जानते ही हैं सिंक्रोनस मोटर कैसे चलता है, सिंपल सी बात है, एनएस बराबर एनआर, रोटर स्पीड बराबर सिंक्रोनस स्पीड होता है, तो इसमें स्लिप कितनी होती है, तो जीरो होती है। उसके बाद अगले बात करेंगे तो एक और प्रश्न आया है, डीसी किसको ब्लॉक करता है, डीसी ब्लॉक किसके द्वारा किया जाता है, देखिए किसके द्वारा किया जाता है, तो डीसी ब्लॉक करने के लिए क्या लगाते हैं, आप कैपेसिटर लगाते हैं, कैपेसिटर के बीच में क्या होता है, माइका होता है जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, केवल एसी को पास करता है कैपेसिटर के द्वारा, डीसी ब्लॉक करता है कैपेसिटर। तीन प्रश्न ये हो गए। चौथा प्रश्न ने पूछा है परमानेंट मूवमेंट मैग्नेट कॉइल वाला जो मशीन आपका होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, ये किस पे काम करता है, एसी पे या डीसी पे, तो ये तो डीसी पे ही काम करता है, जब परमानेंट आयरन रहता है वो आपका एसी और डीसी दोनों पे कर सकता है, लेकिन मूविंग कॉइल की बात होगा तो केवल कि डीसी का बात था। तो चलिए ये एक प्रश्न हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न आया है सीआरओ से क्या क्या नाप सकते हैं, तो ये जानते ही हैं फेज और फ्रीक्वेंसी, और कल भी हमने बात किया था कल वीडियो में लीसा जोईएस पैटर्न में फेज एंड फ्रीक्वेंसी, इसमें मापा जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, बाकी ये आपका डिवाइस है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, कोई मोटर होता है, कोई जनरेटर होता है, उसकी वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों किया जाता है, इसका पूछ रहा है। तो जनरली ये हारमोनिक्स को कम करने के लिए, यानी आपने देखा होगा पोल पिच वन, पोल वन टू थ्री फोर, एक गैप कर कर के वाइंडिंग बनाया जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बोलते हैं। इसका एक ही पक्षात है जो हारमोनिक्स को कम करता है, साथ में मल्टीपल पोल क्रिएट करने का भी काम करता है। क्या करता है, मल्टीपल पोल क्रिएट करता है, जैसे आप जानते हैं मोटर में पड़े होंगे थ्री पोल, फोर पोल मोटर जोड़े में होता है, सिक्स पोल मोटर, एट पोल मोटर, ये क्या है, ये पोल उसी वाइंडिंग के द्वारा अलग अलग होता है, लेकिन मेन फंक्शन उसका हार्मोनिक है। ऑप्शन था नहीं यहाँ, लोगों ने बताया नहीं। उसके बाद एक प्रश्न, तीन प्रश्न ऐसे आए हैं। पहला प्रश्न एक पूछा गया है आपसे स्लिप ऑफ मोटर, तो स्लिप ऑफ मोटर किसको बोलते हैं, रोटर स्पीड कितना आपका कम है सिंक्रोनस स्पीड से, उसे स्लिप बोलते हैं, और स्लिप डायरेक्ट आपको लिखना है तो स्लिप परसेंटेज में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड, इसे स्लिप बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आए थे जिससे आपका ये हो सकता है इसमें स्लिप के लिए वैल्यू पूछ दिया हो या डायरेक्ट पूछा हो। एक प्रश्न आपका सैग से आया है, जो खंभे या ट्रांसमिशन लाइन जनरली और ओएची में सबसे ज़्यादा यूज होता है, रेलवे की लाइन की ओएची में होती है, ऐसे नॉर्मली ट्रांसमिशन लाइन में भी हो सकता है, एक खंभे से दूसरे खंभे तक जो वायर ऊपर लटकाते हैं ये सीधी नहीं जाके कैसे जाती है, टेढ़ी जाती है, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। अब यहाँ क्या प्रश्न था इसको देख लीजिएगा, सैग हमेशा मिड में ज़्यादा होता है, दोनों खंभे के मिड टर्म में सैग मैक्सिमम होता है, ये प्रश्न था। एक प्रश्न, एक किलोवाट बराबर एक के डब्ल्यू एच बराबर है, किलोवाट बराबर वाट पूछा है, कितनी वाट होती है, तो 1000 यूनिट आप देखे होंगे, या ये प्रश्न पूछा है बिल्कुल सिंपल सा,
तो ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं आपका, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कुछ प्रश्न डिफिकल्ट होंगे तो लोगों ने याद नहीं किया होगा, वो आपको बताएंगे नहीं। तो पिन टाइप इंसुलेटर पूछा है, कितने वोल्टेज रेटिंग तक काम ले सकते हैं? तो पिन टाइप इंसुलेटर का एक सेगमेंट यानी एक जो इंसुलेटर होता है वो 11,000 केवी तक के वोल्टेज रेटिंग के लिए सफिशियंट होता है, और उसी तरह से मैक्सिमम इसको अगर यूज करना चाहें तो 33 केवी तक यूज किया जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा यूज करना है तो क्या यूज करते हैं? सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं। कौन सा? सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं। तो ध्यान देना है, पिन टाइप इंसुलेटर कम वोल्टेज पे यूज होता है यानी 11 केवी 33 केवी तक, और जैसे ही 240 66 केवी वगैरह वगैरह जितने भी केवी होगा उसमें सस्पेंशन टाइप लगाते हैं। और अगर आप वोल्टेज 240 वगैरह और भी ज़्यादा हो जाता है तो इसमें भी क्या लगाते हैं? स्ट्रिंग्स टाइप सस्पेंशन, ये भी ध्यान रखिएगा। और बढ़ा देते हैं, तो ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रश्न था। उसके बाद आप देखें रेजोनेंस इन सीरीज, जब रेजोनेंस सीरीज में पावर फैक्टर क्या होगा? तो हमने कल ही बात किया था, मैक्सिमम करंट होता है तो मैक्सिमम करंट मतलब पावर फैक्टर क्या होगा आपका? 1 होगा। तो अगर रेजोनेंस सीरीज सर्किट है तो उसमें पीवी फैक्टर 1 होगा, लीगिंग और लैडिंग दोनों हो सकता है जब कम और ज़्यादा होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन, इससे इसका ऑप्शन नहीं मिला, क्या पूछा गया है? तो आर्मेचर रिएक्शन जानते ही है, रोटर और स्टेटर, स्टेटर में जो आपकी फ्लक्स पैदा होती है रोटर से मुड़ जाना, इधर उधर बिखर जाना क्या कहलाता है? आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। इसी आर्मेचर रिएक्शन से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा है। उसके बाद आप देखिए आरएमएस वैल्यू ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर एक पूछा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव या फुल वेव का पूछा है किसी टर्म में। तो आरएमएस वैल्यू से डायरेक्ट एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो रहा है इस प्रश्न में क्या पूछा है, तो ऐसा प्रश्न पूछा है। और इस टाइप से हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का आपका बहुत सारे प्रश्न 2-3 लोग बता रहे हैं कि आया है, एग्जैक्ट मेरे पास नहीं है। डीसी मोटर के स्टार्टर के बारे में पूछा है कि डीसी मोटर का स्टार्टर कैसे काम करता है, क्या फंक्शन है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है किसी डीसी मोटर का स्टार्टर का नाम दे दिया हो, 3-पॉइंट स्टार्टर या 4-पॉइंट स्टार्टर, या इसकी क्या दे दिया हो, डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल। तो स्पीड कंट्रोल वाला आपने पहले ही देख लिया था टर्मिनल वोल्टेज वाले के टर्म में, इसको 2-3 तरीके से हम कम कर सकते हैं। तो ये सारा स्पीड कंट्रोल का भी मेथड पूछ दिया हो, तो ये सारा चीज़ बेसिक है, प्रश्न का बहुत लेवल नहीं है। उसके बाद कह रहा है फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर के सिंपल सी बात करेंगे तो दो फ्रीक्वेंसी की बात होती है। एक तो आप इंडक्शन मोटर में आप स्टेटर में सप्लाई देते हैं, स्टेटर में सप्लाई देते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी जो आपकी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है वही होती है जिसको एफ बोलते हैं, और एक होता है रोटर फ्रीक्वेंसी जो आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के इंडक्शन के कारण रोटर में पैदा होती है। इस फ्रीक्वेंसी को अगर पूछा है तो क्या बोलते हैं, रोटर फ्रीक्वेंसी को एसएफ बोलते हैं, एस एफ। एस क्या है? आपका स्लिप है, जितना स्लिप होगा और उसको आपकी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी से गुना कर देंगे तो आपकी रोटर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो ये भी हो सकता है प्रश्न, या डायरेक्ट आपको स्टेटर की फ्रीक्वेंसी पूछ दिया हो, तो अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 है तो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी 50 होगी, और रोटर की फ्रीक्वेंसी अगर इंडक्शन मोटर का पूछ दिया तो क्या होगा? ध्यान देने वाली बात है, 50 से हमेशा क्या होगा? कम होगा, क्योंकि स्लिप 2-3% से लेके 5% तक होती है। तो 0.5 से इसे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये करीब करीब 25 हर्ट्ज के आसपास आता है रोटर की फ्रीक्वेंसी। तो ये ध्यान दीजिएगा, रोटर फ्रीक्वेंसी ऑलवेज लेस देन ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी इन इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस मोटर में तो 0 होता है फ्रीक्वेंसी, तो दोनों का सेम हो जाता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ये है, हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर पूछा है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का है, हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो इसमें करीब करीब 26.6 से 29 के बीच में होता है रेक्टिफायर में। कई बुक में मैंने देखा 28.6 से लेकर 29 तक है, कई सारे बुक में 28.6 मिलता है, कहीं 29 भी मिलता है। तो ये जो ऑप्शन होगा वो देख लीजिएगा। उसके बाद इंसुलेशन रजिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, या अधिक रजिस्टेंस, कुछ दोनों में से एक प्रश्न था, किससे मेजर करते हैं अधिक रजिस्टेंस का। तो हमने जो भी आपने बात देखा था जिसमें रेजिस्टेंस कम अगर नापना होता है तो किससे मापते हैं, कम के लिए केल्विन डबल ब्रिज,
व्हीट स्टोन ब्रिज, ये सारे यूज करते हैं, और वोल्ट मीटर एमीटर यूज करते हैं। अधिक के लिए सबसे ज़्यादा के लिए क्या यूज करते हैं? मेगर। अगर इंसुलेशन रजिस्ट्रेशन रेजिस्टेंस मापना है तभी मेगर, और ज़्यादा रेजिस्टेंस नापना है तभी मेगर नापते हैं। तो इस तरह से और भी प्रश्न थे इससे रिलेटेड। अब अगला प्रश्न देखिए, एक और आया है, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड होता है या नहीं होता है? तो सेल्फ स्टार्टेड मोटर केवल थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है, सिंपल वे में कहें तो। बाकी को स्टार्ट करने के लिए या तो स्टार्टर लगाते हैं या कुछ और प्रोसेस है, यानी थ्री फेज का जिसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वही सेल्फ स्टार्टेड होता है। इंडक्शन मोटर जो आपका सिंक्रोनस मोटर है ये सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। इसको स्टार्ट करने के लिए कौन से मोटर लगाते हैं? पोनी मोटर, छोटा एक मोटर लगाते हैं, या जनरेटर लगाते हैं। वो क्या करता है, मशीन की रोटर को इतने स्पीड तक घुमाता है कि रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तब तक वो घुमाते रहता है स्पीड में। और जब NS बराबर NR हो जाता है तो इसको बंद कर दिया जाता है, किसको? पोनी मोटर को। तो क्या होता है, आपका सिंक्रोनस मोटर यूज करने लगते हैं सिंक्रोनस पे। हालांकि सिंक्रोनस मोटर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता मोटर के काम के, एग्जिस्ट नहीं करता किसके लिए, मोटर के लिए। अगर सिंक्रोनस मोटर पे लोड डाल दिया जाए तो ये काम ही नहीं करता। लेकिन इसको किस रूप में यूज करते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में। कंडेंसर यानी लीडिंग पावर फैक्टर जनरेशन के लिए यूज करते हैं, यानी इसको हम क्या करते हैं, हाई किस पे, हाई इसकी क्या करते हैं, लीडिंग फैक्टर चलाने के लिए हाईली इसको एक्साइटेड करते हैं और लीडिंग पावर फैक्टर पे चलाते हैं सिंक्रोनस मोटर से, जिससे लाइन या ट्रांसमिशन लाइन की पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। चलिए अगले प्रश्न में देखिएगा, तो ये पूछा है लिफ्ट में किस प्रकार का मोटर यूज होता है, या लिफ्ट का मोटर का किस प्रकार का टाइप होता है? तो जनरली ये संट भी होता है और कई जगह कंपाउंड भी होता है। अब कौन सा मोटर पूछा है, कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे पता नहीं चला है, क्योंकि लिफ्ट में आपकी मोटर जो लगती है वो मतलब सीरीज तो लगती नहीं है, और कई बार होइस्ट की बात होती है तो सीरीज भी लगती है, लेकिन यहाँ लिफ्ट एलिवेटर वाला है जिसमें स्पीड हमें कांस्टेंट चाहिए होती है, तो संट या कंपाउंड होता है। एक बुकोल्ज रिले के बारे में पूछा है, किस प्रकार का फंक्शन है, किस पे काम करता है? तो इसको हम कह सकते हैं गैस एक्चुएटेड रिले होता है जो ट्रांसफार्मर के टैंक में लगा हुआ रहता है। अगर वाइंडिंग से ज़्यादा गर्मी निकलती है, हॉट गर्म, तो पहले क्या करता है, ये अलार्म बजाता है कि वाइंडिंग की टेम्परेचर बढ़ रही है, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यानी शॉर्ट सर्किट या ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कुछ फॉल्ट आता है, उस समय में ट्रांसफार्मर की टेम्परेचर बहुत बढ़ जाती है, जो गैस बहुत ज़्यादा निकलता है ये बुकल्स रिले को ऑपरेट कर देता है, यानी ट्रिप करा देता है सर्किट का। तो दोनों फंक्शन काम करता है, अलार्म का और ट्रिप का भी। अलार्म कब, जब छोटे मोटे फॉल्ट आए, और ट्रिप कब, जब बहुत बड़ा या मेजर फॉल्ट आ जाए। उसके बाद एक और देखिए, एक और प्रश्न पूछा है जिसमें आपको पूछा है लो हिस्टेरिस लॉस किस में होता है। एक पूछा है विन ब्रिज की क्या नापता है, मेजर क्या करता है, उसके बारे में प्रश्न पूछा है। तो विन ब्रिज के सब लोग जानते हैं, फ्रीक्वेंसी से नापा जाता है, और लो हिस्टेरिस लॉस जो आपकी होती है क्या, सिलिकन स्टील की कोर उसमें होता है, सिलिकन स्टील की कोर होती है उसमें लो हिस्टेरिस लॉस होता है। एक प्रश्न है SF6 गैस, देखिए SF6 गैस सुनते ही लगता है थोड़ा सा ऑड है, लेकिन ये क्या है, सिंपल सी बात है, ये एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर गैस है जो क्या करता है, किस में लगते हैं, हम ब्रेकर होता है, ब्रेकर के अंदर हम लगाते हैं, ब्रेकर के अंदर भरा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं GIS, आपने नाम सुना होगा, बड़े बड़े सब स्टेशनों में होते हैं GIS, गैस इंसुलेटेड सिस्टम, उसमें लगता है, डायरेक्ट ब्रेकर में नहीं करके पूरी सिस्टम को गैस इंसुलेटेड कर दिया जाता है, उसी में कॉन्टेक्ट ब्रेक और मेड होता है, जिसके कारण से क्या होता है, वहाँ पे स्पार्किंग नहीं होती है, और एक गैस इंसुलेटर का काम करता है वहाँ पे। जैसे आपने सुना होगा VCB हम लगाते हैं, ACB लगाते हैं, आयल सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, इसकी कैपेसिटी इस SF गैस से कम होती है। आपने वीडियो देखा होगा तो हमने कैपेसिटी के बारे में भी बात किया था, SF6 गैस सबसे बड़ा कैपेसिटी वाला गैस है,
उसके बाद अगर करिएगा कोई ब्रेकर जो होती है तो VCB होती है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जहाँ पे कोई हवा नहीं है वहाँ पे कॉन्टेक्ट होता है, कॉन्टेक्ट ब्रेक और मेक होता है तो स्पार्किंग बहुत कम होती है। उसके बाद आप अगर कहें तो उससे कम वाला क्या होता है, आपका आयल सर्किट ब्रेकर होता है, या आप कह सकते हैं AC भी होता है, एयर सर्किट ब्रेकर। इससे अगर कम में जाएंगे तो थोड़ा आपका MCC भी वगैरह आ जाता है, और इससे भी कम जाइएगा तो MCB आ जाता है, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वगैरह। ये नॉर्मल होते हैं जिसमें कोई छोटे छोटे आर्क्यूट लगे हुए होते हैं जिससे स्पार्किंग को कम किया जाता है। घरों में देखा होगा MCB कभी आप उठाते हैं या डाउन करते हैं, यानी ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं, तो थोड़ी सी चिंगारी निकलती है। उस चिंगारी को ख़त्म करने के लिए इसमें क्या लगा रहता है, लोहा का आर्क्यूट लगा रहता है, उस चिंगारी को अलग अलग डिवाइड कर देता है जिससे वो एक लॉ के रूप में बड़ा चिंगारी न बन जाए। तो ये सारा प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल का था। तो यहाँ पे भी आप देखिए SF सेक्स गैस पूछ दिया, और हो सकता है अगले एग्जाम या कोई एग्जाम में VCB ACB वगैरह से भी प्रश्न पूछ दे। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे है, जिसमें पूछ रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी कितनी होती है। तो ये जानते ही हैं 40.11 होता है इफिशियंसी, और फुल वेव के 80+ होता है, दोनों का ही फंक्शन है। उसके बाद एक RMS से पूछा है कि RMS वैल्यू किसको बोलते हैं, फुल वेव में है या क्या है, क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन RMS वैल्यू से पहले भी प्रश्न एक था और एक यहाँ भी प्रश्न है, इसमें पूछा है। तो देखिए ये Vmax बराबर √2 होगा अगर फुल वेव है या नॉर्मल आपकी साइकिल है, तो एग्जैक्ट ये प्रश्न नहीं क्लियर हुआ है किस टाइप का है। और रेजिस्टेंस ऑफ वायर से पूछा है एक प्रश्न, यानी रेजिस्टेंस का टॉपिक है। और कुछ प्रश्न ऐसे लोग बता रहे हैं जिसका कोई बता रहा है कि टेक्निकली जो प्रश्न आ रहे हैं वो रिपीटेड भी प्रश्न है, जो कई एग्जामों में पहले भी आ चुके हैं। LP का भी कुछ लोग बता रहे हैं कि LP से भी प्रश्न ऐसा आया था, सेम आया। तो दोस्त सिलेबस आपको दिया गया है, सिलेबस में अगर आपसे बोल दिया जाए कि मशीन पढ़ना है तो ये मशीन LP में भी आ सकता है, टेक्निकल में भी आ सकता है, यानी आपका JEE में भी आ सकता है, टेक्नीशियन में भी आ सकता है, या और भी एग्जामों में आ सकता है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये देखने का कहने का मतलब है कि जो आपका प्रश्न का लेवल है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सीधा सिंपल से प्रश्न है। जो आपने पूरी कोर्स का सिलेबस पढ़ा है तो सारे प्रश्न आपको हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रयास था जिसमें हमें प्रश्न मिला आपके सामने, शिफ्ट 1 का है।